हेलो डियर स्टूडेंट हम संदीप कुमार सेन और आज हम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के मैनेजमेंट का अगला चैप्टर प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे व्हाट इज प्लानिंग 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 मतलब नियोजन नियोजन प्रबंध का, का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य है किसी कार्य को करने के पहले प्रबंध उसके विषय में विभिन्न तथ्यों को तय करता है जैसे कौन सा कार्य किस प्रकार किसके द्वारा कितने समय में किस एवं कितने संसाधनों में किया जाए किया जाएगा आदि प्रबंध में के इसी कार्य को नियोजन कहते हैं अर्थात भविष्य के विषय में कार्यक्रम तय करना नीतियाँ उद्देश्य आदि निश्चित करना ही नियोजन कहलाता है नियोजन एक ऐसा प्रबंध की आधार है जिसमें यह उन दिशाओं व दिशाओं को दशाओं व दिशाओं को निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उद्यमी अपने उद्यमशील एवं प्रबंध कार्य को संपादित कर सकता है डेफिनेशन जॉर्ज और हैरी ने कहा था नियोजन भविष्य के लिए संदर्भ में प्रस्तावित क्रियाओं के दृष्टिकोण तथा निर्माण में जिन्हें की वांछित परिणाम की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझा जाता है तथ्यों का चयन एवं उनमें संबंध करना तथा धारणाओं को बनाना एवं उपयोग करना है विलियम एच न्यूमैन ने कहा था सामान्य रूप में क्या करना है इसका पहले से ही निर्धारण ही प्लानिंग कहलाता है ऑब्जेक्टिव एंड गोल लक्ष्य अथवा नियोजन के प्रमुख तत्व हैं कभी-कभी लक्ष्यों लक्ष्य एवं ध्येय में अंतर स्थापित किया जाता है उदाहरण स्वरूप व्यवसाय का आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के सामाजिक के ध्येय ध्येय हो सकता है या कुछ वस्तुओं द्वारा उत्पादन करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस पर प्राप्त कर सकता है उद्देश्य लक्ष्य नियोजन में महत्वपूर्ण आधार व तंत्र है उद्देश्यों को साक्ष्य के रूप में विनियोजन को साधन के रूप में देखा जा सकता है प्लानिंग प्लानिंग मतलब नियोजन नियोजन प्रबंध का, का अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य अगला स्टेप ऑफ प्लानिंग नियोजन प्रक्रिया में प्रमुख कदमों या स्टेप्स की जरूरत पड़ती है जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ गोल और ऑब्जेक्टिव लक्ष्यों लक्ष्य तथा उद्देश्यों का निर्धारण करना किसी भी योजना का प्रारंभ लक्ष्यों के निर्धारण से होता है तथा सबसे पहले किसी व्यवसायिक उपक्रम की योजना के लिए ऑब्जेक्ट निर्धारित किया जाना चाहिए सेकंड है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सूचनाओं का आकलन एवं विश्लेषण करना नियोजन प्लानिंग के ऑब्जेक्ट का निर्धारण होने के पश्चात उठाया जाने वाला दूसरा कदम नियोजन से संबंधित क्रियाओं के संबंध में आवश्यक तथ्यों तथा तर्थ सूचनाओं का संकलन करना है स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमिश नियोजन की आधारों का निर्धारण करना नियोजन का तीसरा कदम है उसके आधारों की स्थापना बेस की स्थापना उपयोग पर सहमति तथा जटिल नियोजन का विच्छेदन करना होता है अल्टरनेटिव कॉस वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना प्लानिंग का चतुर्थ कदम है किसी कार्य को करने के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश करना उनका परीक्षण करना है

प्लान योजना तैयार करना कार्य करने के लिए सर्वोत्तम तरीके अथवा विकल्प का चयन करने के पश्चात नियोजन का अगला कदम होता है योजना को तैयार करने मुझसे उसको एक रूप देना अगला स्टेप किसी भी चीज की प्लानिंग करने के लिए कुछ मुख्य उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव को फॉलो किया जाता है जैसे कि स्ट्रेटजीज या युग रचना या मोर्चाबंदी इसमें इस विधि में इस व्यू रचना या मोर्चाबंदी या एक उप योजना विधि तकनीक या माध्यम है जिसमें प्रतिस्पर्धा करने वालों को ध्यान में रखकर अपनी योजना या अपनी प्लानिंग तैयार किया जाता है सामान्यतः स्ट्रेटजी बा, स्ट्रेटजी बाजार व कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखकर किया जाता है सेकंड है पॉलिसी पॉलिसी यानी नीतियाँ बनाना प्लान प्लानिंग में अगला है पॉलिसी नीति एक मूलभूत मौखिक लिखित या अंतर्निहित कार्यों का मार्गदर्शन है जो कि एक प्रबंधक मैनेजमेंट द्वारा अपनाई और अनुसरण की जाती है नीतियां वे सामान्य विवरण हैं जो निर्णय लेने में प्रबंधकों का चिंतन का मार्ग दर्शन करती है, अगला है प्रोसीजर कार्यविधि कार्य संबंधित क्रियाओं की एक श्रृंखला है जो उसके निष्पादन के कार्यक्रम के निर्धारण के साथ साथ किसी काम को करने की विधि है कार्यविधि उस लक्ष्य को प्राप्त करने की सर्वश्रेष्ठ विधि अगला है रूल नियम नीतिगत व्यवहारों मार्गदर्शकों बिंदुओं कार्य करने की विधियों और योजनाओं के प्रतीक हैं जिनका संस्था में सभी व्यक्तियों को अनिवार्यता पालन करना होता है कार्य विधि को संपादित करने हेतु नियम की आवश्यकता हो होती है नियम यह निर्देशित करते हैं कि क्या करना है अथवा क्या नहीं करना है अर्थात इस संदर्भ में कर्मचारी की इच्छा का कोई अर्थ नहीं होता वे नियमों से बंधे होते हैं और नियम मानने के लिए बाध्य होते हैं अगला प्रोग्राम कार्यक्रम नीतियों एवं कार्यविधियों के प्रकाश में किसी कार्य को निश्चित समय में पूरा करने हेतु बनाई गई प्रणाली को प्रोग्राम कहते हैं इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों का क्रम निर्धारित किया जाता है अगला बजट बजट नियोजन का एक आवश्यक भाग है जहां क्षेत्रीय के अनुसार बजट भावी आवश्यकताओं का एक पूर्वानुमान है जो क्रमानुसार व्यवस्थित होता है जिसमें निश्चित समय की कुछ या संपूर्ण क्रियाओं का समावेश होता है इस प्रकार बजट भेक्स उपयोगना जिसमें भावी विधि के संभावित परिणामों को आंकड़ों तथा आंकड़ों तथ्यों व परिणात्मक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं